गोपीनाथ जो की जय राधा कृष्ण जुगल जय जय राधा कृष्ण जुगल मिला नाम बता।
हरे कृष्णा।
माता मदन मोहना श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धना कालिंदी यमुना जय जय माता केशी घाट वंशी बटा
मदर की जय। ओम ज्ञानतिमिरं दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री जयपुर अंतर्गत श्री राधा दामोदर मंदिर में हम लोग उपस्थित हुए, इसलिए कि जो ठाकुर जी श्री जीव गोस्वामी का पूजित है ये ठाकुर जी, ये ठाकुर का विशेष विशेष महत्व है। मतलब भगवान की यद्यपि अनंत गुण है लेकिन अनंत गुण में सबसे बड़ा गुण क्या है, भक्त वात्सल्य है। ये भगवान का विशेष गुण है, भक्तों का प्रेम में ठाकुर जी बड़े जल्दी से जल्दी ठाकुर जी बसीभूत हो जाते हैं। इनकी विशेष गुण भक्त वात्सल्य, इसलिए कहते हैं भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सलाई। जगत में बहुत तरह का बंधन है लेकिन सबसे जो बड़ा बंधन क्या है, कहते भगवान की ये प्रेम का बंधन। भगवान प्रेम को द्वारा जितने बसीभूत होते हैं और किसी को द्वारा भगवान इतने बसीभूत नहीं होते। इसलिए कहते ना साधय तमाम योग न सांख्यम धर्म बुद्धव न तपत्याग यथा भक्ति मम अर्जिता। कृष्ण कहते उद्धव ये भक्ति मुझे जितने जल्दी से जल्दी मेरे को बसीभूत करते हैं और किसी को द्वारा मैं इतना बसीभूत नहीं होता हूँ। इसलिए ये जो राधा दामोदर जो बिक रहे हैं ये भक्तों का प्रेम में ये बसीभूत हो गए। इसलिए ये दो दामोदर है, एक दामोदर है जसोदा दामोदर और एक है श्री राधा दामोदर। दाम मतलब होता है रज्जु, उदर मतलब होता है कमर में। मैया जसोदा कृष्ण को उखल में रस्सी को द्वारा बांध दिया था, इसलिए उनका राधा श्री जसोदा दामोदर है। कृष्ण अनंत है, असीम है, जिसका बाहर भी नहीं जिसका कोई भीतर भी नहीं, लेकिन होते हुए भी कृष्ण मैया जसोदा का प्रेम में बसीभूत हो। इसलिए बोले माता परिश्रम दृष्ट्वा कृपया असीत स्वबंधने। इसलिए माँ की परिश्रम को देख कर भगवान कृष्ण बंधनता को स्वीकार किया है। भगवान बंधन नहीं, बंधनता को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन जब बंधनता को स्वीकार किया, मैया जितना बार बांध रही थी उतना उसमें दो अंगुल कम पट जा रहे थे। कितने अंगुल? दो अंगुल। क्या क्या है बोलो, जोर से बोलो। साधन की कृपा, एक है मैया जसोदा की चेष्टा है और दूसरे है भगवान की कृपा। जब ये दो मिलता है तब जाकर कहीं काम बनता है। इसलिए इनके दो उदाहरण देते हैं श्री सनातन गोस्वामी, एक बंदर न्याय और एक मार्जर न्याय। मार्जर मतलब होता है बिल्ली, जैसे बिल्ली वो उसका बच्चा कुछ नहीं करता है, मैया उसके मुंह में पकड़ करके 10 बार यहाँ से वहां वहां से वहां वहां से वहां करती रहती है लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं करता है। दूसरा बंदर, बंदर तो हमारे मंदिर के पास बहुत सारे बंदर है, इसलिए देखना बंदर का जो मैया बंदर को नहीं पकड़ता है वो खुद बंदर को पकड़ कर रखती है, रखता है बच्चा, और मैया यहाँ से वहां वहां से वहां छलांग लगाती है। अगर बीच में अगर बच्चा छोड़ देगा ना फिर मैया उठा देती, बोले तो ना लाएगी मेरे बच्चे बनने का तो लाएगी नहीं, इसलिए उसको वही छोड़ देती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने दो उदाहरण दिया। दो उदाहरण मतलब कहते एक तो हो गया, कुछ कुछ लोग ऐसे है ना बोले ठाकुर को इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। जब ठाकुर के इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है फिर आप क्या कर सकते, जब ठाकुर को इच्छा होगा तब इच्छा ठाकुर को है। कहते ये एक तरह का। दूसरे तरह का क्या है, कुछ ऐसे लोग है, हैं कुछ ऐसे लोग है क्या करते हैं नहीं हम साधन भजन को द्वारा अपना चेष्टा से अपना सिद्धि को हम प्राप्त कर लेंगे, अपना प्रचेष्टा से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। कभी जो दो है ये फैल है,
अपना चेष्टा भी है और भगवान जो करेंगे होगा, उसको इच्छा वगैरह तो कुछ होता नहीं, पड़े रहेंगे। कहते ये भी दोनों ही फैल है, पर क्या करना पड़ेगा? कहते ये दोनों को मिलाएंगे फिर जाकर काम बनेगा। कहते कैसे? जैसे मैया जसोदा चेष्टा कर रही है, सवेरे से शाम तक हो गया, ब्रज का सारे रसी खत्म हो गई, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पा रहे। क्यों? यहाँ पर मैया अपना चेष्टा से ही कोशिश कर रहे थे कृष्ण को बांधने के लिए, लेकिन वो तो आनंद है, असीम है, जिसका बाहर नहीं भीतर नहीं, पर बांधेगी कैसे? लेकिन फिर बंधनता स्वीकार कैसे किया? भगवान जब मैया ने देखा मेरे सारे चेष्टा निष्फल हो गया, मैं बांध नहीं पा रही हूँ, और गोपियां खड़ी होकर कह रहे हैं मैया विधाता तो तेरे लाला की ललाटा में बंधन लिखा ही नहीं, पर उसको कैसे बांध? बोले मैया बोले बांध नहीं पाऊंगी, मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं बांध बांध करके रहूंगी। लेकिन जब उसका सारे चेष्टा निष्फल हो गया, सब गोपियां खिली उड़ा रही थी, लास्ट में उन्होंने ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए, हे प्रभु सवेरे से शाम तक हो गया, मैं इसको बांध नहीं पा रही, तो मेरे लाज बचा, क्योंकि ये गोपियां मेरे को खिली उड़ा रहे, हंसी उड़ा रहे गोपियां। जब उन्होंने शरणागत हुई, फिर क्या कहते हैं, माता परिश्रम दृष्ट्वा कृपया आसीत सबंधने, फिर माँ की परिश्रम देख करके भगवान बंधन को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर क्या सिखा दिया? सिखा ये है चेष्टा करनी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए, बगैर साधन के साध्य वस्तु नहीं मिलता। लेकिन वो साधन कैसे होनी चाहिए? ये साधन होनी चाहिए शरणागति युक्त है। ये शरण भजन सवेरे भजन का रहे थे ना, निवेदन करी प्रभु तुम्हारे चरण पतित अधमामी जानते भुवने, उसके बाद में मामा सम पापी नहीं जगत भीतरे, मामा सम अपराधी नहीं कभीतरे। ये जो शरणागति युक्त ठाकुर जी, हम अपना चेष्टा से कुछ नहीं कर सकते, चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं होगा ना, ये चेष्टा हमारी फलीभूत नहीं होएगी। इसलिए गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, हमें विषय दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मर गुण, गोपीनाथ सकली तुमार माया है। इसलिए कहते जब ठाकुर का कृपा, चेष्टा तो करना पड़ेगा, लेकिन चेष्टा कैसे होनी चाहिए? बोले शरणागत युक्त अगर चेष्टा होगा तो फिर भगवान को स्वीकार, भगवान स्वीकार करते। इसलिए ठाकुर का नाम एक हो गया यशोदा दामोदर है, और ये राधा दामोदर है। राधा दामोदर जब रास करते करते कृष्ण अंतर ध्यान हुए, गोपियों ने ढूंढते ढूंढते जब राधा रानी को साथ में मिले, बोले देखो भगवान को ज्यादा ढूंढो मत, क्योंकि शास्त्र कहता है न अयम आत्मा प्रवचन न लब्ध न मिथ्या न बहुना श्रुते न जमे वैसे वृणुते तन लब्ध तसे ही आत्मा विवृणते तन सा। कहती है न अयम आत्मा प्रवचन न लब्ध, आत्मतत्व को कोई प्रवचन को द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, कोई बुद्धि को द्वारा नहीं, मेधा को द्वारा नहीं, किसी को द्वारा कैसे कर सकते हैं? वो कृपा करके जिसको वर्ण करते हैं, स्वीकार करते हैं, सही जाने जा रहे देहु जाना है, उनको वही जान सकते हैं, वो कृपा करके जिसको जनाते हैं। इसलिए गोपियों ने कहा देखो भगवान कृष्ण को उसका भजन सबसे प्यारा, चलो हम जमुना किनारे में उनका भजन करेंगे। जब उन्होंने भजन किया, गोपी गीत को गाए, बोले जयती जन्म न
कृष्ण क्या करते हैं, बोले मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर के उनको बीच में कृष्णा प्रादुर्भूत होते हैं। प्रादुर्भूत होने पर गोपियों ने अपना चुनरी को उतार करके वहां पर आसन देख आसन दिए और उसको ऊपर में कृष्ण को बैठाए, बैठा करके इतने में राधा रानी का जो चुंदरी और कृष्ण का जो जो चदर था उसको अच्छे तरह से गांठ बांध दी। बोली कन्हैया हमारी राधा रानी को बारम्बार ये छोड़कर भाग जाते हैं, इसलिए इसे गांठ बांधो जैसे कृष्णा हमारी राधा रानी को किशोर जी को छोड़ करके नहीं जा सके। इसलिए ये होता है इसी राधा दामोदर, इसलिए जो दामोदर है एक राधा दामोदर और एक श्री जसोदा दामोदर, जैसे वो अनंत असीम होते हुए भी इनके प्रेम में वशीभूत हो गए, इसलिए एक व्रत का नाम राधा दामोदर व्रत है। ये कार्तिक महीना में ये लीला हुई थी, इसलिए कार्तिक महीना के विशेष विशेष महत्व है और कार्तिकेश्वरी श्रीमती राधा रानी, इसलिए ये व्रत जो पालन करते हैं राधा रानी जल्दी से जल्दी उनको घर में कृपा करके उनको अपना भक्ति को प्रदान करती है। बोले श्री राधा दामोदर की, बोले श्री जसोदा दामोदर की, बोले श्री जीव गोस्वामी की, गीताहि गौर ब्रह्मानंदे हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम Thank you.
तो जेब में रख लो, जेब में रख लो, जेब में रख लो। हरे कृष्णा, सफल पहन लो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो श्री तारकेश्वर महादेव। देखो जो तारकेश्वर महादेव, जब श्री भक्त विनोद ठाकुर वृंदावन आना चाह रहे थे, जब आते समय बीच में ये तारकेश्वर महादेव ही ये भक्त विनोद ठाकुर को आदेश दिया। बोले भक्त विनोद ठाकुर जी, अभी आपको वृंदावन जाने का समय नहीं है, अभी अभी ये नवद्वीप धाम में जाओ, जा करके श्री सच्चिदानंद गौर हरि का जो जन्म स्थान, ये धीरे धीरे ये लुप्त हो गया है, मुसलमान लोग उसको अपना अधीन में ले लिया, अभी महाप्रभु का धाम को आप प्रकाश करो। इसलिए श्री भक्त विनोद ठाकुर ने, जैसे भक्त विनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी इनको बताया जाता है, जैसे छह गोस्वामियों ने ये वृंदावन धाम ब्रजमंडल को प्रकाशित किया, और भक्त विनोद ठाकुर ने श्री गौड़ मंडल, श्री महाप्रभु का जन्म स्थान, उनका लीला भूमियों को, फिर उन्होंने ये जो नवद्वीप परिक्रमा इतना विशाल रूप में हो रहा है, इसको पहले किसने प्रकाशित किया? यद्यपि नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी ये सब किए है, लेकिन बाद में विपुल रूप में श्री भक्त विनोद ठाकुर, भक्त विनोद ठाकुर को बाद में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनको बाद में श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, और उसको बाद में हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज को विपुल रूप में ये नवद्वीप परिक्रमा को उन्होंने प्रारंभ किया। इसलिए ये शंकर हुए है कि शंकर जी कौन, ये वैष्णवा नाम यथासंभव। और इन्होंने क्या किया था, इनके एक स्वरूप सदाशिव स्वरूप है, इसलिए इन्होंने ही सदाशिव स्वरूप में श्री अद्वैत आचार्य रूप में आए थे, और इन्होंने क्या किया, महाप्रभु को हैं, उन्होंने तुलसी दल गंगा जल दे करके महाप्रभु को उन्होंने गोलोक वृंदावन से उनका आह्वान किया, इसलिए इनका नाम है नाड़ा। नाड़ा मतलब सुतिया अच्छिन्न खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग हैलम और नाड़ा और हुंकार। महाप्रभु कह रहे थे मैं खीर समुद्र में तो सो रहा था, लेकिन ये अद्वैत आचार्य जी ने मेरे आसन को हिला दिया, इसलिए इनका एक नाम गौर अना ठाकुर। इसलिए कहते ना दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निवास। इनकी कृपा से ही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मिलते हैं, इसलिए शंकर जी वैष्णव नाम यथासंभव ये हमारे ऊपर कृपा करें। महाप्रभु के इन्होंने लाए थे, हमें भी कृपा करें, एक दिन जैसे महाप्रभु का भक्ति हमें भी प्राप्त हो लो। बोले श्री तारकेश्वर महादेव की, बोले श्री अद्वैत आचार्य की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, पिताई गौर ब्रह्मानंद तारकेश्वर महादेव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Rama Hare 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 Hare
बात कर लो इससे। बड़ी कोई होगा ना नहीं, ये सौखिया संप्रदाय के इसको बंद कर।